राजनीति के जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर रांगपा प्रमुख शरद पवार कई तरह की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से शरद पवार प्रशांत किशोर के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, उसको देखते हुए राजनीतिक गलियारों से बड़ी ही अहम खबर निकल कर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद पवार की नज़र साल 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तरफ है और शरद पवार खुद को चुनावी उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखकर शरद पवार सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ अच्छा तालमेल बनाने में लगे हुए हैं और किसी भी नेता के खिलाफ बयानबाजी करने से बच रहे हैं। इतना ही नहीं, बीते कुछ दिनों पहले दिल्ली में शरद पवार के घर पर एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कई विपक्षी पार्टी के नेता गायब रहे थे। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। उसके बाद शरद पवार ने भी कई मीटिंग के साथ दूरी बनानी शुरू कर दी। हालांकि देखना ये होगा कि शरद पवार राष्ट्रपति बनने का जो सपना देख रहे हैं वो सपना उनका पूरा होता है या नहीं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।